गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 क्रिया। इसमें आज हम सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया में पहचान कैसे पहचान करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में जब वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न पूछने पर अगर कोई उत्तर मिलता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और अगर इसके विपरीत कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसका क्या, किसे, किसको, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, शिखा संतरा खाती है। ठीक है, क्या खाती है, क्या, हमने प्रश्न पूछा क्या खाती है, इसका उत्तर मिल रहा है संतरा खाती है, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ये सकर्मक क्रिया हो गई। इसी तरह देखिए, विशाल पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक, पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमें आंसर मिल रहा है, यहाँ पर उत्तर मिल रहा है कि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया हुई। इसके विपरीत अगर हम कहें ये संतरा खाते हैं, यहाँ से, है ना, शिखा खाती है, शिखा खाती है, क्या खाती है पता ही नहीं, उत्तर नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाक्य बन गया हमारा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह विशाल पुस्तक पढ़ता है, अभी तो हमें पता है कि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। अगर हम इसको हटा दें और एक नया वाक्य बनाए कि विशाल पढ़ता है, तो हमें क्या पढ़ता है ये पता ही नहीं, विशाल पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इससे प्रश्न पूछा गया कि क्या पढ़ता है, तो पता ही नहीं क्या पढ़ता है ना, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई। समझ में आया पहचान, अगर हमें क्या, किसे, किसको ये प्रश्न पूछने पर पता चल रहे हैं, इसका उत्तर मिल रहा है, तो वहां पर उस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी, और नहीं मिल रहा उत्तर तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।